हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ चॉकलेटी बनाना शेक। टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती है और ये मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये काफ़ी कम समय में आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं ये सेहत से भरपूर चॉकलेटी बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ ये सब इंग्रेडिएंट लिए हैं। 2 पके हुए केले लिए हैं, 1 गिलास ठंडा दूध लिया है, 4 चम्मच चीनी ली है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, साथ ही 2 चम्मच चॉकलेट सिरप लिया है। मैं यहाँ चॉकलेटी बनाना शेक बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ चॉकलेट सिरप लिया है। कुछ आइस क्यूब्स ली हैं जिससे बिल्कुल चिल्ड बनेगा बनाना शेक। 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच क्रश की हुई चॉकलेट ली है और कुछ काजू लिए हैं जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 चम्मच शहद लिया है जिससे बहुत ही स्मूथी सा टेस्ट आता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ मैंने एक जार लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी केले। केले को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट सिरप, शहद और चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध मैं यहाँ आधा गिलास से डाल रही हूँ जिससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सभी चीज़ों को हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स, साथ ही हम इसमें डाल देंगे बाकी बचा हुआ दूध और नारियल का बुरादा। इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ ये 2 ग्लासेस लिए हैं, इसे मैं चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लूँगी। ग्लासेस में हम डाल देंगे बनाना शेक। ये शेक बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। गार्निशिंग के लिए हम इस पर डाल देंगे क्रश की हुई चॉकलेट और साथ ही डाल देंगे कुछ काजू के टुकड़े जिससे ये और भी टेम्प्टिंग लगेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से और कम समय में ये चॉकलेटी बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है। आप इस टेस्टी हेल्दी बनाना शेक को बनाइए, पीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।